सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर बनने को लेकर युवाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया सीएम योगी ने। गोरखनाथ मंदिर के जनता दर्शन में सीएम से अग्निपथ योजना पर मिलने पहुंचे थे युवा। कहा, अग्निपथ पर सुनहरे भविष्य के अवसरों के अनेकानेक हैं मार्ग, तथ्यहीन और तर्कहीन प्रलाप कर रहा है विपक्ष। अग्निवीरों को सेना अर्धसैनिक बलों राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण के साथ प्राथमिकता, औद्योगिक घरानों ने भी की है नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की पहल। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। फरियादियों की सुनी फरियाद, मामलों का शीघ्र कार्रवाई का दिलाया भरोसा। दोपहर बाद लखनऊ के लिए हुए रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा। कहा, महानगर में जलभराव हुआ तो तय होगी अफसरों की जवाबदेही। अंतर्राज्यीय 11 मोबाइल चोरों को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 चोरी का मोबाइल, 72 ग्राम नाजायज स्मैक, एक ऑटो किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जून को जनपद में आयोजित होने वाले योग दिवस की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। एडीएम फाइनेंस ने कहा, जनपद में 75 स्थानों पर आयोजित होगा योग दिवस का कार्यक्रम, 8 लाख लोग करेंगे प्रतिभाग। एसपी ट्रैफिक एवं आरटीओ के संयुक्त तत्वावधान में पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन एवं यातायात पुलिस के साथ बैठक हुई संपन्न। यात्री को चौराहे से 50 मीटर पहले ही उतारने और सभी टेम्पो पर 15 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के दिए निर्देश। अग्निवीर योजना के विरोध को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे की 32 ट्रेनें हुई निरस्त। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, अब कहीं पर भी स्टेशन पर नहीं हो रहा प्रदर्शन। सतर्कता बरतते हुए बिहार जाने वाली ट्रेनों को किया गया है निरस्त, बाकी ट्रेनों का सुचारू रूप से हो रहा है संचालन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रांगण में साप्ताहिक योग शिविर का हुआ समापन। कहा, नियमित रूप से योग करने से नहीं होगी कभी कोई बीमारी। गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त अजय गुप्ता को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। महिला जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर बने पिंक टॉयलेट का महापौर सीताराम जायसवाल ने किया लोकार्पण। कहा, महिलाओं की सुविधा के लिए बनाया गया है यह पिंक टॉयलेट। और अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार जनपद में नहीं होगी बारिश, स्थिति रहेगी सामान्य। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी।